नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं वीर गाथा, स्टोरीज ऑफ परमवीर चक्रा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जामी वीर अनेक, माखनलाल चतुर्वेदी। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे विशिष्ट शौर्य या कुछ साहसी या पूर्व शौर्य या आत्मबलिदान के प्रतिष्ठित कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। दुश्मन की उपस्थिति में, चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में हो या हवा में हो, शौर्य को मरणोपरांत सम्मानित किया जा सकता है। यह 15 अगस्त 1947 से पूर्वव्यापी प्रभाव में आ गया है। PVC अर्थात परमवीर चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस, BC या संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ आनर के समकक्ष पुरस्कार है। शाब्दिक रूप से परमवीर चक्र का अर्थ है अंतिम बहादुर का पहिया या क्रॉस। संस्कृत में परम का अर्थ है परम वीर, उच्चारित वीर का अर्थ है बहादुर और चक्र का अर्थ है पहिया। पदक का डिजाइन, पदक आकार में वृत्ताकार कांस्य से बना, यह 1 और 3/8 इंच व्यास का और सामने की ओर राज्य प्रतीक आदर्श वाक्य सहित के साथ इंद्र के वज्र की 4 प्रकृति प्रतीकृतियाँ केंद्र में उभरा हुआ। इसके विपरीत इसने हिंदी और अंग्रेजी दोनों के बीच कमल के फूल के साथ परमवीर चक्र को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उकेरा गया है। फिटिंग कुंडा जो बढ़ाया गया है उसका, वह गोलाकार है। डिजाइन फॉर ऑफ द PVC, IA 441 मेजर जनरल विक्रम राम जी खानालोलकर एंड मिसेज सावित्री बाई खानालोलकर ऑन द डे ऑफ देयर मैरिज एट लखनऊ, इन्होंने इसकी डिजाइन की है। श्रीमती सावित्री बाई खानोलकर ने PVC मेडल डिजाइन किया। उनका जन्म 20 जुलाई 1913 को यौन मैडे डी मारुसस के रूप में स्विट्जरलैंड में हुआ था। वह कैडेट विक्रम राम जी खानोलकर से मिली, जो रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट UK से टर्म ब्रेक के दौरान स्विट्जरलैंड का दौरा कर रहे थे। उन्हें प्यार हो गया और बाद में उन्होंने शादी की। इसके बाद उन्होंने अपना नाम श्रीमती सावित्री बाई खानोलकर के रूप में बदल लिया। श्रीमती खानोलकर को भारतीय संस्कृति की गहन समझ और उनके कलात्मक कौशल के कारण पदकों को डिजाइन करने के लिए चुना गया। परमवीर चक्र को डिजाइन करने के अलावा उन्होंने युद्ध और शांति दोनों के लिए प्रमुख वीरता पदक डिजाइन किए, जैसे अशोक चक्र को डिजाइन करने के अलावा उन्होंने युद्ध और शांति दोनों के लिए प्रमुख वीरता पदक डिजाइन किए जैसे अशोक चक्र, AC महावीर चक्र, MBC कीर्ति चक्र, KC वीर चक्र, BRC और शौर्य चक्र, ASC। उन्होंने 1965 तक इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य सेवा पदक 1947 को भी डिजाइन किया। दिलचस्प बात यह है कि उनकी बेटी श्रीमती कुमुदिनी शर्मा की बहन हुई मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत 1947 में बड़गाम की लड़ाई में भारत का पहला PVC प्रदान किया गया। श्रीमती खानोलकर का निधन 26 नवंबर 1990 को हुआ था। परमवीर चक्र के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में कुछ इसकी भूमिका को समझ लेते हैं। भारत का संविधान कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान बढ़ाने और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। हालांकि 1947, 1965, 1971, 1987, 1999 और 1962 में चीन के साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए और संघर्षों में उलझने के लिए स्वतंत्र भारत की आवश्यकता थी। DR जैसे राष्ट्रों में शांति सेना के संचालन के साथ संचालन के लिए सशस्त्र बलों को भी बुलाया गया। कांगो 1960
1964 और श्रीलंका 1987 1990 सभी सेवाओं के कर्मियों ने देश और विदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बलिदान दिया, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र भारत की सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक राष्ट्र के लिए उनकी सेवा के लिए अब तक 1947 के बाद से केवल 21 युद्ध नायकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उनमें से 14 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और 16 ने भारत के युद्ध और अकेले पाकिस्तान के संघर्ष के साथ संघर्ष में भाग लिया। पीवीसी पुरस्कार विजेता सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला से ओलावृष्ट करते हैं, जबकि कुछ रक्षा परिवारों से आते हैं। अधिकांश जीवन के अन्य क्षेत्रों में से हैं, जबकि उनमें से आधे अधिकारी हैं, अन्य आधे जेसीओ एनसीओ जवानों के हैं। ये नायक विभिन्न समुदाय क्षेत्रों सेवाओं रेजिमेंट इकाइयों रैंक आयु समूहों और भारत की स्वतंत्रता के बाद इतिहास के विभिन्न अवधियों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन उनकी सभी जो सामान्य है वह है देशभक्त की भावना और युद्ध के मैदान में सर्वोच्च स्तर की वीरता का प्रदर्शन, कर्तव्य के प्रति समर्पण। स्प्रिट डे कॉर्प्स ईमानदारी सम्मान और गैर भेदभाव और निस्वार्थ बलिदान की भावना के रूप में लोकाचार और मूल्यों का प्रतीक है। वे आदर्श वाक्य के लिए रहते हैं, सभी के लिए एक और सभी के लिए एक, यह प्रत्येक कहानी में परिलक्षित होगा। पीवीसी पुरस्कार विजेताओं की कहानियों के साथ स्वतंत्रता के बाद भारत के सैन्य इतिहास के भावनाएं प्रदान करती हैं। प्रत्येक कहानी प्रशस्ति पत्र के साथ समाप्त होती है, जो अवार्ड की वीरता वर्णन करती है। 1947 स्वतंत्रता के आगमन ने भूमि के रूप में सीमाओं के निशान छोड़ दिए और लोगों को भारत और पाकिस्तान विभाजित किया। 1947-48 का युद्ध कई मायने में महत्वपूर्ण था। स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष के बाद दो राष्ट्रों के जन्म के तुरंत बाद यह टूट गया। आज़ादी मिलने की कोई जल्दी नहीं। नरसिंह के मुद्दों पर जख्मी मानस के लोगों के एक राष्ट्र के रूप में उभरा था। इस मोड़ पर युद्ध सायरन नीले रंग से आया। लगभग 550 रियासतों को दोनों देशों में चुनने और शामिल होने के पेशकश की गई थी। अधिकांश शासकों ने उस देश का चयन किया जो अपने स्वयं के निकट था। कुछ ने स्वतंत्र होना चुना। जम्मू और कश्मीर के शासक महाराज हर सिंह ने स्वतंत्र रहने के लिए चुना। स्टैंडलिस्ट एग्रीमेंट नाम से एक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली की निरंतरता सुनिश्चित की गई। जब तक एक नया समझौता नहीं हुआ, दोनों से अपील की गई कि जब तक जनता की राय व्यक्त नहीं की जाती, तब तक कोई भी प्रशासनिक दबाव न डाले। हालांकि लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आज़ादी के कुछ महीने के भीतर कुछ पठान आदिवासी कुल और पूर्व सैनिक भगोड़े सैनिकों और पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वतंत्र कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। अक्टूबर 1947 में छापा मारो सशस्त्र जनजातियों ने सीमावर्ती गांवों पर हमला किया। प्रारंभ में राज्य की सेना ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे छापा मारो की तुलना में कम थे। और फिर महाराज हरि सिंह ने भारत के से मदद की अपील के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस शर्त पर मदद करने के लिए सहमत हुए कि भारत के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य के विलय का समझौता पहले किया जाएगा, चूँकि एकमात्र कानूनी तरीका यही था जिसके द्वारा भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर में प्रवेश कर सकती थी। एक लंबा और खूनी युद्ध था। सैनिकों ने उस दौरान कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। झंगा राजौरी कारगिल तिथवाल और कुछ अन्य स्थानों के बाद हटा दिया गया। बाद में 1949 में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम की आधिकारिक घोषणा की गई। 1947 स्वतंत्रता के आगमन ने भूमि के रूप में सीमाओं के निशान जो छोड़े थे। भारतीय सैनिकों ने साहसपूर्ण संघर्ष किया और विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित हुए। इस युद्ध में कई बहादुर सैनिक थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया। उनमें से 5 को असाधारण वीरता और आत्मबलिदान के लिए परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा नाइक जदुनाथ सिंह और CHM पीरू सिंह युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवा बैठे। उन्हें मरणोपरांत इस पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 2 लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे और लांस नायक करम सिंह 2 सैनिक थे जिन्हें व्यक्तिगत रूप से यह सम्मान मिला।
युद्ध के कई आम नायक और आम लोग हैं जो हम जिस देश में रह रहे हैं उसके लिए अपना जीवन लगा दिया। हम उनकी वीरता के सांग को हवा में उड़ाते हुए सुन सकते हैं और हम इसे अपनी मातृभूमि की मिट्टी की खुशबू में सूंघ सकते हैं। कुछ ऐसे थे जो अदम्य साहस के आंकड़ों के रूप में लंबे थे। यह उनके बलिदान के लिए है कि हम स्वतंत्र देश में सांस ले सकें। क्या आप जानते हैं कि लोग कौन थे? आइए हम उनके जीवन के बारे में महसूस करें और उनके साथ कुछ समय बिताएं। उनको उनके यहाँ क्यों कारण नहीं है, लेकिन यहाँ करना या मरना है, लॉर्ड टेनिसस अल्फ्रेड ने जैसा कहा है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी परमवीर चक्र की गाथा पसंद आएगी। अगली कड़ी हम लेकर आएंगे प्रथम परमवीर विजेता परमवीर चक्र के प्राप्त करने वाले योद्धा के बारे में।